से प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है, माँ तू जग से प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। कई लोग कैथोलिक कलीसिया विरोधी कार्य करते हुए माता मरियम का, रोजरी माला का, संतों का, संत पापा का झूठे झूठे जो वीडियोस बना करके यूट्यूब वगैरह में दिखाते हैं, कई लोग मुझे उसका लिंक भेजते हैं, ब्रदर जी इसको देखो बोल करके। इसलिए आजकल उन लोगों को यदि प्रभु सद्बुद्धि दे रहा है, ज्ञान दे रहा है, समझने का एक अवसर इन क्लासों के द्वारा मैं दे रहा हूं। सिनडल वर्ष में मेरे मन में आया, जो लोग कलीसिया से कट करके अलग हुआ और जो कलीसिया विरोधी कार्य कर रहा है, उन लोगों को इन छोटे छोटे क्लासों के द्वारा थोड़ा सा समझाने के लिए मैं सत्य कलीसिया से जुड़े हुए काम कर रहा हूं। जो कलीसिया सिखाते हैं केवल वही सिखाऊंगा, मैं अपनी ओर से कुछ नहीं सिखाऊंगा। जो कलीसिया जो सिखाता है, जिसे ईश्वर ने अधिकार दे करके, जो सिखाने के लिए जो अधिकार दे करके कलीसिया जो सिखा रहा है, उसके अनुसार मैं सीख करके सिखाता हूं। जो मैं जी रहा हूं उसको मैं सिखाता हूं। इसलिए अनेकों लोग मेरे क्लास का विरोध करने वाला भी आपको टिप्पणियों में मिल रहा है। उनको करने दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उनको भी बचाएं इसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूं। इसलिए उन लोग जो टिप्पणियां लिख रहा है उसके अनुसार मैं अनेकों क्लास अभी डाल चुका है, और आज विशेष रूप से मुझे अभी हाल ही में एक चमत्कार देखने के लिए मिला। जैसे रोजरी माला के विषय में मैंने कई क्लास डाला है, कैसे रोजरी माला करना है, कैसे रोजरी माला शुरू हुआ। मैंने कभी भी नहीं बोला है यीशु ने रोजरी करो कर करके बोला है। कई लोग पूछते हैं यीशु ने क्या बोला था, क्या रोजरी करो करके। मैं ये बोल करके भी दिया है, रोजरी शब्द बाइबल के अंदर नहीं है, लेकिन रोजरी के अंदर हम लोग जो प्रार्थना करता है वो पूरी प्रार्थना बाइबल के अंदर से है। बाइबल के अंदर जो ईसा मसीह ने जो मुक्ति कार्य किया, ईसा मसीह के मुक्ति कार्य के 20 रहस्यों को इस रोजरी माला के अंदर हम लोग मनन चिंतन करते हैं। क्या ईसा मसीह के मुक्ति कार्यों को मनन चिंतन करना पाप है? रोजरी प्रार्थना का मतलब है बाइबल के उन मुक्ति कार्यों पर मनन चिंतन करना, और बाइबल के अंदर दिया हुआ वचनों को बोल करके प्रार्थना करना, और उन वचनों को बोल करके अन्य लोगों के लिए हम मध्यस्थ प्रार्थना करते हैं। जो लोग इस प्रकार का कार्य करता है बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। मैं अनेकों वर्षों से मेरा एक कोशिश रहता है चारों रोसरी रोज करने के लिए। सबसे पहले मैं आनंद का भेद करता हूं, इसके बाद प्रकाश का भेद करता हूं, इसके बाद दुख का भेद करता हूं, इसके बाद महिमा का भेद करता हूं, और मैं करुणा रोजरी करता हूं,
हर रोज मैं कोशिश करता हूं क्रूस की रास्ता करने के लिए, क्रूस की रास्ता के 14 स्थानों पर मनन चिंतन करता हूं, अपने पाप गुनाहों को, संसार के पापों को सब वहां पर उसके द्वारा समर्पित करता हूं। और ये 4 रोजरी 20 भेद के द्वारा मैंने जितने भी लोग मुझसे प्रार्थनाएं मांगे हैं और जो प्रार्थना नहीं मांगा, जिस जिस के लिए प्रार्थना करना मेरा कर्तव्य है, उन सभी लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। हर भेद इस प्रकार के कोई ना कोई विशेष मतलबों के लिए समर्पित करते हुए प्रार्थना करता हूं। इसलिए मुझे रोजरी प्रार्थना बहुत ही अच्छा लगता है। मेरे जीवन का मैंने कई उदाहरण कई गवाही उसके अंदर डाला है। रोजरी द्वारा मैंने क्या क्या प्राप्त किया, अनेकों चमत्कार मेरे जीवन में हुआ। आज ये क्लास लेने के पीछे का भी कारण है, अभी रशिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रहा है। 20 मार्च 2022 को एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ, मुझे हाल ही में उसको पढ़ने के लिए मिला और मैंने YouTube के अंदर भी सर्च किया, मुझे देखने के लिए भी मिला। ये जो डेली मेल बोल करके हैं उसके अंदर भी ये आया था, मैंने उसके अंदर भी देखा। और देश मयोर्स मीडिया बोल करके उन्होंने इसके विषय में विस्तार से, इस चमत्कार के विषय में उन्होंने भी डाला है। 20 मार्च 22 को रशिया ने यूक्रेन में मिसाइल डाला। वो उस समय पर हमें मालूम है कीव प्रदेश को बहुत इस प्रकार बम्बार्डमेंट करते हुए, मिसाइल डालते हुए बर्बाद किया। तो कीव प्रदेश में जब इन्होंने 20 मार्च 2022 को जब रशिया ने अपना मिसाइल भेजा, उस मिसाइल आकर के एक घर के किचन के अंदर आकर के गिरा, उनके घर के छत को तोड़कर। एक परिवार में, एक क्रिस्तीय परिवार था, इस परिवार में 9 बच्चे हैं। उस समय पर वो परिवार 9 बच्चों के साथ बैठ करके रोसरी जप रहा था। जब ये रशियन मिसाइल उनके घर के अंदर आकर के गिरा, उस समय पर वो परिवार बैठ करके रोसरी माला कर रहा था। मैंने उसका फोटो इस वीडियो में डाल रहा हूं। 9 बच्चों के साथ बैठकर रोसरी माला करने वाला उस परिवार में रशिया का ये जो मिसाइल आकर के फटा नहीं है, उसको डिफ्यूज, रोसरी माला का जो शक्ति, जो पावर, जो एनर्जी उस घर में था, उस जो मिसाइल है उसको डिफ्यूज कर दिया। ये रोसरी का पावर। मैंने रोसरी की शक्ति के विषय में एक और क्लास डाला था, उसके अंदर अनेकों ऐसा उदाहरण बताया था। उनमें से एक उदाहरण था 1945 में जो सेकंड वर्ल्ड वार, दूसरी विश्व महायुद्ध चल रहा था, अमेरिका ने 1945 मेरे विचार में अगस्त 5 तारीख को हिरोशिमा में जब बॉम्ब डाला था, एटम बॉम्ब डाला था, पूरा हिरोशिमा शहर, आप इस चीज को भी पूरा यूट्यूबर में आप सब सर्च कर सकते हैं, कितना हजार लोगों का मृत्यु उसी समय पर हुआ। वहां पर आज भी जन्म लेने वाला बच्चा अपाइस जन्म लेते हैं कहते हैं, इतना असर था वो एटम बॉम्ब का 1945 में। लेकिन वहां पर एक चैपल में बैठ करके एक जेस्यूट फादर, फादर हुबर्ट और अन्य 8 लोगों के साथ बैठ करके वहां प्रार्थना कर रहा था। ये फादर हुबर्ट और उनके साथी को
इस एटम बॉम्ब का कोई असर नहीं पड़ा। मैंने ये भी पढ़ा, इनके ऊपर कई वैज्ञानिक परीक्षण कर करके देखा, कहीं उनका असर तो नहीं पड़ा। ये देखने के मिला इनके ऊपर कोई भी असर इस एटम बॉम्ब का फटने से नहीं मिला। अनेकों लोग उसका एटम के कारण वो जल करके मरा था, लेकिन इनके ऊपर उसका कोई असर भी नहीं पड़ा। पीढ़ी दर पीढ़ी उसका असर आ रहा है, लेकिन इनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। इसके पीछे का कारण है, ये लोग बैठ करके रोसरी प्रार्थना कर रहा था, वहां पर एक चमत्कार करते हुए ये दिखाया। रोसरी का पावर, रोसरी का दुश्मनी करने वाले लोगों, जो रोजरी की निंदा करने वाले लोगों, माता मरियम की निंदा करने वाले लोगों, इसके द्वारा कोई माता मरियम की आराधना नहीं करता। जरूर एक मरियम भक्ति का प्रार्थना है। माता मरियम के हाथ पकड़ करके अपने बच्चे बैठे हैं एक घर में, जिस प्रकार पारिवारिक प्रार्थना में माता पिता बच्चे सब बैठते हैं, छोटे बच्चों को माता पिता अपने गोदी में रख करके जब वो बैठकर प्रार्थना करते हैं, वो प्यार से एक हृदय मन होकर के प्रार्थना करता है। इसी प्रकार कैथोलिक परिवार जब रोसरी उठा करके प्रार्थना करते हैं, माता मरियम के साथ मिलकर के उनकी गोदी में बैठ करके हम ये प्रार्थना करते हैं। हम उनकी आराधना कभी नहीं करते। हाँ, जरूर माँ हमारे लिए प्रार्थना करो, ये बात बोलते हुए हम माँ के हाथ पकड़ रहा है, हम क्या क्या चाह रहा है, माँ हमारे लिए प्रार्थना करो। माँ के साथ बैठ करके प्रार्थना करते हैं, ईश्वर के जो मुक्ति कार्य पर मनन चिंतन करते हुए, ऐसे 20 रहस्यों पर हम मनन चिंतन करते हैं, जो बाइबल का 20 रहस्य है, और उन रहस्यों पर मनन चिंतन करते हुए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, प्रभु ने सिखाया हुआ प्रार्थना करते हैं, जो गब्रियल स्वर्गदूत इनका अभिवादन को दोहराते हैं, और अन्य लोगों के जरूरतों को बता करके हम लोग प्रार्थना करते हैं, निवेदन चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं। ये बहुत सुंदर एक प्रार्थना, शक्तिशाली प्रार्थना। आज हम लोगों को मिला है यूक्रेन का परिवार रोसरी जपते हुए, और मुझे ये भी पढ़ने के लिए मिला है इस कीव प्रदेश में सैकड़ों लोग इस प्रकार का मिसाइल अटैक के द्वारा, वहां सिविलियन, ये फौजी का नहीं, सिविलियन, वहां का प्रेसिडेंट ने इसका फोटो सब पब्लिश किया, कितने लोगों के ऊपर आक्रमण हुआ पब्लिक लाइफ में, पब्लिक प्लेस में, ये लड़ाई के नियम के विरुद्ध रशिया ने किया। लेकिन वहां पर प्रार्थना में बैठने वाले एक परिवार को प्रभु संरक्षण देते हुए उस परिवार के द्वारा ये घोषणा किया, रोसरी माला का पावर कितना बड़ा है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, निश्चय करेंगे, प्रतिदिन हम कोशिश करेंगे चारों रोसरी करने के लिए, आनंद का भेद, प्रकाश का भेद, दुख का भेद और महिमा का भेद। इसी ऑर्डर में ईसा मसीह का जन्म से लेकर के स्वर्गारोहण तक के 20 बड़े भेदों पर, रहस्यों पर हम मनन चिंतन करेंगे। बाइबल का मनन चिंतन करना, प्रार्थना करना बहुत ही शक्तिशाली प्रार्थना है। माता मरियम के साथ बैठकर हमें प्रार्थना रोज करने का। मैं उन परिवारों के लिए प्रार्थना करता हूं जिस घर में रोजरी माला रोज होता है, प्रभु उस घर को आशीष दे, उनके सारे मनोरथों को पूर्ति करें, रोगियों को चंगा करें, निसंतानों को संतान दे, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों का विवाह, बच्चों की नौकरी, प्रभु हम समर्पित करते हैं। माता मरियम के साथ रहने वाला पवित्रता का जीवन जीने के लिए उन्हें कृपा मिले, शक्ति मिले, विनम्रता का, सेवा भाव का जीवन जीने के लिए, स्वर्ग राज्य के योग्य जीवन जीने के लिए कृपा उन लोगों को मिले। प्रभु आप सबों को अनुग्रह आशीष से भर दे। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु।